हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है लिटरली सपोर्टेड बीम के ऊपर। काफ़ी लोगों की डिमांड थी, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताया है कि लिटरली सपोर्टेड बीम के ऊपर भी एक एग्जांपल एक वीडियो आप अपलोड कीजिए। तो मैंने इस वीडियो के अंदर ही काफ़ी आसानी से सिंपल तरीके से बिल्कुल एज़ पर द IS कोड मैंने डिज़ाइन की है और बिल्कुल सिंपल वे के अंदर ईजिएस्ट मेथड में आपको समझाया है। तो अगर आपको वीडियो समझना हो, पूरा कंसेप्ट आपको समझना हो बिल्कुल आसान है, तो आपको शर्त यह है कि आखिर तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आखिर तक इस वीडियो को देखिए। उससे पहले और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हो अच्छी तरह से, आप इसको डिज़ाइन करना चाहते हो, तो आपके पास IS 800 2007 होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, इसका मतलब क्या है कि IS 800 2007 के अंदर पेज नंबर 52 के ऊपर आपको लिटरली सपोर्टेड बीम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है। आप वहाँ पर जाके उसको पढ़ सकते हो और काफ़ी सारे ऐसे स्पेसिफिकेशन है, ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपको IS कोड में मिलेंगे और मैंने इस एग्जांपल के अंदर, इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखा है। तो शर्त यह है कि आपको IS कोड होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में एक बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो भी टेक्निकल वीडियोस की अपडेट्स हो वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए हम आज इस वीडियो के अंदर जाके देखते हैं कि क्या हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो चलिए सीधे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो चलिए, आज के इस वीडियो के अंदर हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है और उसके ऊपर ही मैंने पूरी डिज़ाइन की है इस बीम की। तो एग्जाम्पल कुछ यूँ है कि द रूफ ऑफ द हॉल हैज़ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। एक हॉल है जिसका रूफ है गिवन हमें, उसके डेटाज जो हमें यहाँ पे गिवन है कि जो बीच में का क्लियर स्पान है वो है 6.2 मीटर, सपोर्ट विड्थ है वो है 150 mm और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग मतलब बीम है वो है 3.2 मीटर, इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड जो गिवन है वो है 10 kN/m² और जो डेड लोड इंक्लूडिंग द सेल्फ वेट ऑफ द बीम वो है 3.5 kN/m², ठीक है। ये डेटा गिवन है और कह रखा है कि अज्यूमिंग बीम टू बी लेटरली सपोर्टेड थ्रू आउट जो बीम है वो है लेटरली सपोर्टेड, ठीक है। डिजाइन द बीम सेक्शन यूजिंग द स्टील ऑफ ग्रेड Fe410, द डेफ्थ इज रेजिस्टेड टू 450। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। हमें इसमें दे रखा है कि जो डेप्थ है बीम की वो 450 से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है, अब देखिए इसके, ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है इसकी, आपको मैं आज जिस तरह से समझाने वाला हूँ बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड्स मैंने इसके अंदर यूज़ की है। देखिए, अगर मैं आपको इस एग्जांपल को सॉल्व करने का ओवरव्यू दूँ तो सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ है वो लोड है। लोड तो मुझे जैसे कि हमें किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना हो तो लोड सबसे पहले पता होना चाहिए। तो लोड हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। लोड खत्म हो गए तो लोड के बाद अब हमें इसमें करना है मोमेंट कितनी क्रिएट होगी, ठीक है। मोमेंट कितने आने वाले वो देख लेंगे, उसके बाद शेयर फोर्स देख लेंगे, उसके बाद इसका जो प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस है वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक स्टेप्स है। इसके बाद हमें इस बीम की जो प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस था अकॉर्डिंग विद द लोड के अकॉर्डिंगली जितना आना चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। अब सेक्शन सिलेक्ट हम किस बेस पे करेंगे, तो ZP के बेस पे करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है सेक्शन सिलेक्शन की वजह से ये डेप्थ ये भी इंक्रीज नहीं, तो हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ आप ओवरव्यू देख लीजिए ताकि आपको पता चले आखिर तक क्या हम कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले लोड देखे, उसके बाद हम लोड के बाद बेंडिंग मोमेंट देख लेंगे, उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट के बाद शेयर फोर्स देख लेंगे, उसके बाद हम ZP कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद सेक्शन क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई करने के बाद उसके ऊपर कुछ चेक होते हैं, लाइक शेयर कैपेसिटी चेक है, उसकी मोमेंट कैपेसिटी चेक है, ठीक है, और डिफ्लेक्शन चेक है। तो ये बेसिक चेक हम उसके ऊपर कर लेंगे। उसके बाद अगर ये चेक खत्म हो जाए, सब सेटिस्फाई हो जाए, तो यहाँ पे डिज़ाइन हमारे कंप्लीट। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। आप बस शर्त ये है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, सॉल्यूशन के अंदर दे रखा है यहाँ पे कि FU जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो है 410 N/mm², Fy = 250 N/mm², ठीक है। फैक्टर्ड डेड लोड, अब मुझे डेड लोड यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3.5, तो फैक्टर मुझे करना होगा। तो फैक्टर डेड लोड कितना होगा, 5.25 kN/m², फैक्टर लाइव लोड भी
1.5 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब UDL ऑन द बीम, टोटल UDL बीम पे कितना आएगा, तो देखिए 5 ये डेड लोड प्लस लाइव लोड, ठीक है, फैक्टर इंटू 3.2। अब 3.2 क्या है ये, व्हाट इज दिस 3.2, तो 3.2 कुछ नहीं बल्कि यहाँ पे आपको जो स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग ऑफ बीम सेंटर टू सेंटर, वो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बीम्स है वो 3.2 मीटर है। तो यहाँ पे टोटल यूडीएल कितना आ जाएगा, 5.25 प्लस 15 इंटू स्पेसिंग, ये है 3.2 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 64.8 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, सिंपल यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन बीम कितना है ये पता चल गया, ठीक है। अब हम इफेक्टिव स्पान इसका कितना है वो देखेंगे, इफेक्टिव स्पान के लिए भी क्या मतलब क्या है LE, ठीक है। अब LE मुझे कैसा मिलेगा, तो देखिए ये मुझे क्लियर स्पान यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6.2 मीटर, आप फिगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 6.2 मीटर जो है ये क्लियर स्पान है। मुझे चाहिए इफेक्टिव स्पान, तो ये इफेक्टिव स्पान मुझे सपोर्ट की विड्थ गिवन है यहाँ पे 150 mm, क्वेश्चन के अंदर आप देख लीजिए मुझे गिवन है विड्थ ऑफ सपोर्ट दैट इज 150 mm। तो सपोर्ट के सेंटर से इस सपोर्ट के सेंटर तक जितनी लेंथ होगी वो मेरी इफेक्टिव लेंथ होगी, ठीक है। तो 6.2 प्लस 0.15 बाय 2 प्लस 0.15 बाय 2, ठीक है ना। तो टोटल अगर मैं एली करूँ तो 6.35 मीटर हो जाएगा। ओके, ये क्या होगा 6.35 मीटर। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जो मोमेंट या शेयर फोर्स मैं कैलकुलेट करूँगा उसके अंदर मुझे फैक्टर्ड या फिर इफेक्टिव लेंथ लेनी है, ठीक है। तो चलिए अब इफेक्टिव लेंथ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट फाइंड करता हूँ। उसके लिए फॉर्मूला गिवन है WLE² / 8 होता है UDL के लिए। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट आउट की मैंने और इसको मुझे कैलकुलेट करने के बाद 326.61 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ रहा है। अब फैक्टर्ड शेयर फोर्स की बात करो तो WL बाय 2 होता है सिंपली सपोर्टेड, अगर UDL है तो 64.8 इंटू 6.35 बाय 2। ओके, तो ये 205.74 किलो न्यूटन, ये मोमेंट आ गई और शेयर फोर्स आ गया। अब ZP की बात करूँ, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, तो इसके अंदर भैया देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, M इंटू गामा एम जीरो अपॉन FY। एम तो कौन सी मेरी, ये फैक्टर्ड मोमेंट जो है ये 326.61 इंटू 10^6 mm के अंदर इंटू 1.10 गामा एम जीरो की वैल्यू डिवाइड बाई 250 FY की वैल्यू। इसको कैलकुलेट की मैंने अगर तो 1437.084 mm³, ये ZP रिक्वायर्ड है मेरे लिए। इतना अगर लोड आ रहा है तो सेक्शन की ZP इतनी होनी चाहिए। ओके, अब मैं नया सेक्शन सिलेक्ट करूँगा तो वो किस बेस पे सिलेक्ट करूँगा, उसकी ZP इससे ज़्यादा हो, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक क्राइटेरिया गिवन है और वो है द डेप्थ इज रेजिस्टेड टू 450 mm। तो मुझे जो सेक्शन सेलेक्ट करना होगा वो इसके बेस पर भी करना होगा, मेन मेरा जो क्राइटेरिया बन जाएगा वो है डेप्थ। तो अगर मैं IS कोड के अंदर जाऊँगा IS 800, ठीक है, तो उसके अंदर आपको लास्ट में जो है सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अगर पेज नंबर 138 पर जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे IS MB 400, ठीक है। क्यों 400 ही डेप्थ होती है और मेरी जो मिनिमम जो डेप्थ है वो 450 से कम होनी चाहिए, तो बस 400 जो है वो 450 से कम है, इसलिए मैंने 400 ले लिया IS MB 400, ठीक है। जिसकी ZP जो है वो है 1176.18 इंटू 10^3 mm³। अब देखिए ये ZP जो है रिक्वायर्ड से कम है, ये ZP क्या है रिक्वायर्ड से कम है, तो मुझे ZP बैलेंस करनी होगी। तो ZP बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा एक प्लेट प्रोवाइड करनी होगी। अब उस प्लेट की ZP कितनी होनी चाहिए, तो ये देखिए रिक्वायर्ड ZP माइनस दिस सिलेक्टेड ZP, ठीक है, ZP रिक्वायर्ड माइनस ZP ऑफ सिलेक्टेड सेक्शन, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उतनी ZP मेरी कम पड़ेगी, तो बस उतनी ZP वाली कोर प्लेट में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे सिंपली वही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर रखा है कि ZA इज इक्वल टू ZP रिक्वायर्ड माइनस ZP ऑफ सिलेक्टेड सेक्शन। ZP रिक्वायर्ड जो है वो 1437.084 इंटू 10^3 है माइनस जो सेक्शन सिलेक्ट किया है मैंने उसके ZP है 1176.18 इंटू 10^3। इसका डिफरेंस अगर देखो तो 260.904 इंटू 10^3 mm³ आ रहा है, ठीक है। तो ये कवर प्लेट की ZP है। ओके, अब मुझे एरिया ऑफ कवर प्लेट चाहिए,
एरिया ऑफ कवर प्लेट कैसे मिलेगा? तो देखिए ए इज इक्वल टू जेड ए अपॉन एच. जेड ए क्या है? तो भाई जेड पी ऑफ मतलब प्लास्टिक सेक्शन ऑफ कवर प्लेट डिवाइड बाय एच. एच क्या है? डेप्थ ऑफ सिलेक्टेड. तो बस यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एरिया ऑफ कवर प्लेट 652.26 mm square. सो लेट द विड्थ ऑफ द कवर प्लेट. अब मुझे कवर प्लेट की विड्थ एज्यूम करनी है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी मुझे, कवर प्लेट की विड्थ एज्यूम करनी पड़ेगी बी एफ, और विच इज इक्वल टू विड्थ ऑफ फ्लैंज ऑफ द आई सेक्शन. आई सेक्शन की जो फ्लैंज है उसकी इक्वल यहाँ पे लेनी पड़ेगी मुझे, और जो आई सेक्शन की फ्लैंज की विड्थ होती है वो है 140 mm, जो सिलेक्ट किया है मैंने उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है. तो ये 140 mm यहाँ पे BF में कंसिडर कर रहा हूँ. उसके बाद थिकनेस मुझे इसकी अब कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि प्लेट की थिकनेस कितनी आएगी. तो थिकनेस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है A मतलब एरिया अपॉन विड्थ, यही मुझे मिल जाएगी थिकनेस, ठीक है. मतलब एरिया क्या होता है, TF इंटू BF, ठीक है. तो TF इज इक्वल टू A अपॉन BF, तो एरिया बाय विड्थ करूँगा तो मुझे थिकनेस मिलेगी. और ये जो थिकनेस है, देखिए ये थिकनेस मेरी 4.659 mm आ रही है, लेकिन मुझे 6 mm मिनिमम प्रोवाइड इसके अंदर करनी ही पड़ेगी. तो मैं यहाँ पे कंसिडर कितनी कर रहा हूँ, प्रोवाइड कवर प्लेट ऑफ थिकनेस 6 mm, ठीक है. मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, 6 mm की मिनिमम थिकनेस यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो कवर प्लेट की थिकनेस आ गई है भैया, विड्थ आ गई है, एरिया आ गया है, जेड पी आ गया, ठीक है. तो अब जो जेड प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस प्रोवाइडेड अब कितना होगा, ठीक है. तो देखिए जेड पी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 1176.18 ये सिलेक्टेड था, ठीक है, प्लस कवर प्लेट की जेड पी. तो कवर प्लेट की जेड पी के लिए मुझे क्या होगा, एरिया इंटू सी जी होगा, ठीक है. तो एरिया ये 140 विथ इंटू थिकनेस, ठीक है, इंटू 400 + 6, ये 6 क्या है, तो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट आ गई, ठीक है. तो ये जो टोटल कैलकुलेट करूँगा इसको मैं, तो 1517.22 × 10³ mm³, ये कितना आ रहा है, 1517, जो कि ग्रेटर है रिक्वायर्ड से. रिक्वायर्ड जो था वो 1400 something था, और जो प्रोवाइडेड है वो 1500 something आ रहा है. तो यहाँ पे ये जेड पी सेटिस्फाई हुई है, ठीक है. तो अब जेड पी मेरे पास यहाँ पे आ गई है. अब डेप्थ भी तो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था ना, तो मुझे मैंने कवर प्लेट प्रोवाइड की है, तो उसके कवर प्लेट की वजह से इसकी डेप्थ भी इंक्रीज हो जाएगी. तो वो कितनी इंक्रीज हुई यहाँ पे देखिए, तो टोटल डेप्थ ऑफ सेक्शन इज इक्वल टू 400 मैंने ऑलरेडी ले रखी थी, प्लस एक ऊपर कवर प्लेट प्रोवाइड करूँगा, एक नीचे कवर प्लेट प्रोवाइड करूँगा, तो 6 + 6 मतलब 12 हो जाएगा. तो 412 क्या आ रहा है, 412 mm, विच इज़ लेस देन 450. देयरफॉर ये डेप्थ का जो क्राइटेरिया था ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुका है. तो चलिए अब मैंने जो सेक्शन सिलेक्ट किया था ISMB 400 उसकी सारी प्रॉपर्टी में पहले लिस्ट आउट कर दूँ, उसके बाद में आगे फर्दर कैलकुलेशन करूँगा. तो देखिए प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले डेप्थ ऑफ सेक्शन है, फ्लैंज विड्थ है, ठीक है. ये सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, देख लीजिए आप ध्यान से उसको. एच इज इक्वल टू 400 है, बी एफ टी एफ है, टी डब्ल्यू है मतलब थिकनेस ऑफ वेब यहाँ पे गिवन है, ठीक है. आप बाजू में यहाँ पे एक सेक्शन मैंने ड्रॉ कर रखा है ताकि आपको इमेज जो है क्लियर हो जाए, ठीक है. अब देखिए इसके अंदर R1 क्या है, R1 इज नथिंग बस रेडियस ऑफ रूट है. अब रेडियस ऑफ रूट क्या होता है, तो देखिए ये रेडियस ऑफ रूट है, ये जो सेक्शन है इसे जॉइन करने के लिए यहाँ पे मुझे जो वेल्ड करूँगा मैं, तो यहाँ पे एक कर्व बनेगा, एक रेडियस मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, वो है रेडियस ऑफ रूट, ठीक है. उसको मैं लूँगा R, और यहाँ पे R कितना गिवन है, 14 mm, ठीक है. आई जेड मोमेंट ऑफ इनर्जी आई जेड दे रखा है, और आई वाई मुझे दे रखा है, ठीक है. और जो जेड इज जेड है इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस वो भी मुझे यहाँ पे गिवन है, ठीक है. अब ये सारी चीज़ें मुझे गिवन है यहाँ पे, लेकिन ये जो टोटल डेप्थ मुझे गिवन है, मुझे इसमें से अगर सिर्फ डेप्थ ऑफ वेव फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो ये माइनस रूट रेडियस, देखते कैसे है. तो देखिए वेब डेप्थ इज इक्वल टू स्मॉल डी होता है, ठीक है, स्मॉल डी. तो टोटल एच, ठीक है, 400 माइनस, अब ये देखिए दो फ्लैंज है और दोनों तरफ आर है, ठीक है. तो मैं इनको टी एफ प्लस आर वन इंटू होल ट्वाइस कर दूं मैं इसको, तो ये दोनों इसके अंदर से नेगलेक्ट माइनस हो जाएगी, ठीक है. और मुझे टोटल जो ये सिर्फ वेब की डेप्थ मुझे कितनी मिलेगी, वेब की 340 mm. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखा है, देखिए 340 mm ओनली द डेप्थ ऑफ वेब,
सिंपल है यहाँ तक बिल्कुल ओके। तो चलिए अब सेक्शन को क्लासीफाई करूँगा मैं, सेक्शन सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब सेक्शन क्लासीफाई करूँगा। तो सेक्शन क्लासिफिकेशन के लिए मुझे पता है दो क्राइटेरिया होते हैं, आप पेज नंबर 18 पर जाइए, टेबल टू के अंदर आपको क्राइटेरिया मिलेगा यहाँ पे कि बी बाई टी एफ रेशियो शुड बी लेस देन 9.4 एप्सिलॉन एंड डी बाई टी डब्ल्यू रेशियो शुड ऑल्सो बी लेस देन 84 एप्सिलॉन, ठीक है ओके। ये प्लास्टिक सेक्शन के लिए है ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो मेरा सेक्शन क्या होगा, प्लास्टिक होगा। इसके अंदर एप्सिलॉन क्या होता है, तो एप्सिलॉन इज नथिंग बट 250 अपॉन एफ वाई का होल अंडर रूट, एफ वाई मेरे पास 250 है तो एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। तो चलिए अब ये सारी चीज़ें गिवन है, अब मुझे देखिए बी एफ पता है, टी एफ पता है, टी डब्ल्यू पता है, लेकिन बी क्या है भैया, वॉट इज बी? तो बी के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, बी एफ इज इक्वल, देखिए ये फिगर देखिए आप यहाँ पे, पहले आपको आई एस 2007 के अंदर पेज नंबर 19 पे टेबल 2 के अपोजिट साइड पे आपको पेज नंबर 19 मिलेगा, उसके ऊपर एक आपको डिफरेंट डिफरेंट फिगर है वहाँ पे, उसके अंदर आपको बता रखा है कि बी की वैल्यू किस केस के अंदर कौन सी होगी, उसकी विड्थ इसकी लेंथ कितनी होगी ठीक है। तो मेरे पास जो आई सेक्शन है ये वाला ठीक है, इसके अंदर बी कितना होगा भैया, तो ये टोटल जो है ये विड्थ ऑफ फ्लैंज है, बी एफ हमें इसे कहेंगे, और इसको मैं सेंटर से अगर कट करूँ तो ये एक सिंगल इधर बी बनेगा और ये बी बनेगा ठीक है, ये अगर कट करूँ तो बी बी के अंदर डिवाइड हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल बी एफ इज इक्वल टू 2b, बी प्लस बी 2b हो जाए ठीक है। तो ये बी एफ इज इक्वल टू 2b मैंने इस तरह से यहाँ पे ले रखा है, तो इसमें से अगर मैं b को सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या होगा, बी एफ बाई 2 होगा, और वो वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 140 बाई 2 इज इक्वल टू 70 mm ठीक है। तो चलिए b मुझे यहाँ पे मिल गया, अब मैं दोनों सेक्शन को चेक कर, दोनों जो मेरे क्राइटेरिया है उनको मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि b बाई टी एफ जो 70/16 विच इज इक्वल टू 4.375 विच इज लेस देन 9.4 एप्सिलॉन, तो ये सेटिस्फाई हो चुका है। चलिए दूसरा d बाई टी डब्ल्यू, तो 340 d क्या है, वेब की डेप्थ है ठीक है, अपॉन 8.9 विच इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ वेब एंड दैट इज इक्वल टू 38.2 डिवाइड बाय इज 38.2 विच इज लेस देन 84 एप्सिलॉन। तो ये क्राइटेरिया पे हो रहा है सेटिस्फाई, तो यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो सेक्शन हमने सिलेक्ट किया था वो प्लास्टिक है ठीक है, ये सेक्शन प्लास्टिक हो चुका है। अब चलिए सेक्शन क्लासिफिकेशन हो गया, अब हम शीयर कैपेसिटी चेक करेंगे, उसके बाद मोमेंट कैपेसिटी चेक करेंगे। शीयर कैपेसिटी के अंदर आप पेज नंबर 59 के ऊपर जाकर देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है, वी ए इज इक्वल टू या वी डी इज इक्वल टू ए वी इंटू एफ वाई अपॉन अंडर रूट 3 गामा एम जीरो, ये आपको फॉर्मूला गिवन है ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर ए वी क्या होता है, तो ए वी इज नथिंग बट ये देखिए एच इंटू टी डब्ल्यू ठीक है, वेब का ये एरिया है एच इंटू टी डब्ल्यू इंटू, मतलब सेक्शन का एरिया है एच इंटू टी डब्ल्यू इंटू एफ वाई अपॉन अंडर रूट 3 इंटू गामा एम जीरो ठीक है। तो 400 इंटू 8.9 इंटू 250 अपॉन अंडर रूट 3 1.10 ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 467.13 किलो न्यूटन आ रहा है, कितना आ रहा है, 467.13 किलो न्यूटन। अब ये जो है चीज़ मैक्सिमम, जो हमारा जो फैक्टर शीयर था हमने पहले स्टेप के अंदर देखा था, फैक्टर शीयर जो था मैक्सिमम फैक्टर शीयर तो वो था हमारा 205 मतलब 205 था, और जो अभी आ रहा है सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद वो आ रहा है 467 ठीक है, 467 विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, देयरफॉर ये ओके। लेकिन इसके बावजूद भी एज पर आईएस कोड मुझे यहाँ पे और 0.6 वीडी करना होगा, ये भी मेरा जो है वो फैक्टर्ड शीयर फोर्स से रिक्वायर्ड से ज़्यादा होना चाहिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम, 0.6 वीडी इज इक्वल टू 0.6 इंटू वीडी, तो ये 280 ये 280 आ रहा है और रिक्वायर्ड मेरे पास है 205, तो ये ओके है ठीक है। अब मोमेंट सेक्शन की बात करो, अगर मोमेंट कैपेसिटी की, तो देखिए उसके अंदर भी आपको फॉर्मूला दे रखा है पेज नंबर 53 पे, बस ये देखिए सिंपल है बिल्कुल, आपको आईएस कोड को चेक करना है, उसके डिजाइन स्टेप्स को आपको लेना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करना है बस ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, देखिए तो मोमेंट का फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन है, वो है बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम जीरो ठीक है, बीटा बी इंटू जेड पी अपॉन एफ वाई इंटू इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम जीरो। तो चलिए सारी वैल्यू उसके अंदर पुट आउट करो, अब प्लास्टिक सेक्शन है
यहाँ पे क्या है, सेक्शन प्लास्टिक है तो बीटा बी की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जेड पी जो टोटल हमने देखा है वो इंटू 250 अपॉन 1.10, तो ये एम डी जो आ रही है वो रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, 344 विच इज़ ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, देयरफॉर मोमेंट के अंदर भी ये सेफ है, ठीक है, मोमेंट के अंदर भी ये सेफ है। शियर हो गया, मोमेंट हो गया, अब चलिए चेक फॉर डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। डिफ्लेक्शन के अंदर ये क्या होगा, तो इसके अंदर फैक्टर UDL 64 है, सर्विस लोड मुझे इसके अंदर कितना होगा, क्या होगा सर्विस लोड मुझे इसके अंदर कंसिडर करना होगा, तो सर्विस लोड कुछ नहीं, जो फैक्टर था उसको 1.5 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो गया सर्विस लोड 43.2। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है मेरे पास 5/384 इंटू WL2/EIZ या फिर WL4 अपॉन EIZ इंटू 5/384, ठीक है। यहाँ पे जो E की वैल्यू है वो है 2×10^5। अब ये IZ क्या है, IZ जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे जो मैंने सेक्शन सेलेक्ट किया था उसका ही गिवन है, जो हमने एक्स्ट्रा कवर प्लेट प्रोवाइड की है उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी है अभी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो उसका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए जो गिवन है ये मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया, प्लस कवर प्लेट का क्या होगा, 2 मैंने 2 क्यों किया, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ मैं कवर प्लेट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है इनर्शिया इसका IZ का, IG plus AH square, बस यही है, I मतलब BD cube by 12, B इसकी जो है वो 140 है, डेप्थ तो जो मतलब थिकनेस जो है वो 6 है, डिवाइड बाय 12 प्लस A, एरिया कितना होगा उसका, तो 140 इंटू 6, ठीक है, इंटू H square, हाइट मतलब CG, ठीक है, तो 400 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, ठीक है, सी जी यहाँ पर मिलेगी मुझे, मतलब हाइट उसकी, तो इसका होल स्क्वायर, तो बस ये फॉर्मूला यूज़ करके मैंने इसको टोटल IZ जो है फाइंड कर लिया, वो है 2738 2.016 × 10^4 mm^4, ये IZ मेरे पास आ गया। IZ आ गया, E पता है, W पता है, L पता है, सारी चीज़ें पता है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा। इस फॉर्मूला के अंदर मुझे बस ये सारी वैल्यूज़ पुट आउट करनी है और कैलकुलेशन करना है, जो आंसर मुझे मिलेगा वो है 15.18 mm, कितना हो रहा है 15.18 mm मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है, ठीक है। अब 15.18 mm ये क्या है, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, और अलाइवेबल मतलब कितना उसके ऊपर हम डिफ्लेक्शन हो रख सकते हैं, कितना वो सहन कर सकता है, ठीक है, अलाइवेबल, तो उसका आप पेज नंबर 31 पर जाकर देख सकते हो, उसके अंदर जो लिमिट है वो है स्पान बाय 300, मतलब L/300, L मुझे 6.2 मीटर दे रखा है, यहाँ पे हमने इसको mm के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, 6200 / 300, वो आंसर आ रहा है रेशियो में 20.67 mm, मतलब इतना वो सहन कर सकता है, और जितना उसके ऊपर आएगा वो है 15.18, ठीक है, तो 15-20 से कम है, मतलब कि ये इसके अंदर भी सेफ है, ठीक है, इसको आसानी से ये कैरी कर सकता है, डिफ्लेक्शन को ये सहन कर सकता है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन के अंदर भी ये ओके हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, यह हम कह सकते हैं जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप ये है कि चेक फॉर वेब बियरिंग। वेब बियरिंग मतलब क्या है, जो वेब होती है तो वो बियरिंग जो लोड उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, जो भी फोर्स उसके ऊपर आने वाला है वो उसको बियर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो ये हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको पेज नंबर 65 क्लॉज 8.7.1.3 के 1.3 के ऊपर आप जाकर देख सकते हो, एक फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, FW = AE × FYW / γm0। अब यहाँ पे AE क्या है, तो B1 + N1, अब B1 + N1, ये B1 और N1 यहाँ पे नई दो चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, वो क्या है, तो B1 इज नथिंग बट लेंथ ऑफ स्टीफ बेयरिंग, ये ऐसी लेंथ होती है जिसके अंदर जो बीम है वो डिफ्लेक्ट नहीं होता, डिफॉर्म नहीं होता, ठीक है, बीम इसके अंदर डिफॉर्म नहीं होता,
इट इज़ नोन एज बेरिंग लेंथ। अब बेरिंग लेंथ यहाँ पे मैं 75 mm कंसिडर कर रहा हूँ। आप इसका जो पूरा क्राइटेरिया है, पूरी थियोरी है, आप IAS कोड के अंदर जाके पढ़ सकते हो, बहुत ही आसान है, सिंपल है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो अभी हम यहाँ पे B1 की वैल्यू 75 mm कंसिडर कर रहे हो, और N1 क्या है, ठीक है, N1 इज़ नथिंग बट 2.5 TF इनटू R1। N1 होता क्या है, सबसे पहले N1 इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द लोड डिस्पर्सन, मतलब कौन कितनी लेंथ तक जो लोड है वो डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है, स्प्रेड हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे N1। ये भी आप IAS कोड के अंदर आपको बाकायदा फिगर के साथ समझा रखा है, बिल्कुल आसानी से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये N1 में यहाँ पे N1 कितना होगा, तो 2.5 TF, ये 2.5 क्या है, ये स्लोप होता है, 1:2.5 का स्लोप होता है, इसलिए ये 2.5 है, इनटू TF मतलब थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, प्लस R1 मतलब क्या है, रूट रेडियस है, ठीक है। तो N1 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 75 mm, और B1 की वैल्यू मैंने कंसिडर कर रखी है 75 mm, ठीक है। आप कंसिडर कर सकते हो 70 या फिर 80, डिपेंड ऑन यू, मैंने 75 यहाँ पे ले रखी है, ठीक है। अब चलिए FW की वैल्यू फाइंड करूँ मैं, तो B1 प्लस N1 इंटू TW इंटू FYW अपॉन γm0, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, ये TW क्या है, तो ये 8.9 है, जो कि वेब की थिकनेस है, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद 303.41 आ रहा है यहाँ पे किलोन्यूटन के अंदर फोर्स, ठीक है, इतना फोर्स ये बियर कर सकता है, इतना फोर्स ये बियर कर सकता है, और इस पे आने वाला कितना है 205, तो ये यहाँ पे बेयरिंग के अंदर भी सेफ है, इसका मतलब ये, ठीक है। तो यहाँ पे डिज़ाइन जो होती है इस लेटरली सपोर्टेड बीम की कंप्लीट होती है, बिल्कुल आसान है, कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई ज़्यादा स्टेप याद रखने वाले नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो आई होप कि आपको डिज़ाइन इसकी समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पे इसकी डिज़ाइन कंप्लीट होती है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।